अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, गली से घाट तक, चौपाल से हाट तक अयोध्या नए रूप में नजर आ रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर दिन मेले जैसा माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त अनूठे अंदाज में यहां लगातार पहुंच रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में स्वर्ण द्वार की एक और तस्वीर सामने आई है जो आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर अब तक 4 दरवाजे लगे हैं, स्वर्ण दरवाजे पर दिखी खूबसूरत नक्काशी कुछ इस तरीके से तैयार हो रही है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी। इस खबर पर अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता नीतीश पांडे है। नीतीश, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अभी फिलहाल कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज अयोध्या की बात कर ले तो आज अयोध्या में जो उत्साह है वो सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, और आज से प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्साह है और भी जोर पकड़ने लगा है। अगर बात करें तो प्रांगण में यजुर्वेद का पाठ शुरू हो गया है। कुल 101 वेद पाठी ब्राह्मणों ने ये पाठ शुरू किया है, और ऐसी मान्यता है कि कहीं भी जब कोई शुभ कार्य होने होते हैं तो वहां पर यजुर्वेद का पाठ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अयोध्या से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से किया, और इसके साथ अगर बात करें तो आज पूरी अयोध्या में भी जिस तरह से रंग रोगन और उत्साह का जो माहौल है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है, तो अयोध्या में आज का भी दिन धार्मिकता से भरा रहा। इसके साथ सौगात, विमान की सौगात से भरा रहा, और आने वाले जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है उसकी तैयारियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज पूरी अयोध्या में उत्साह है और सबको इंतजार है उस क्षण का, उस तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा के रूप में सामने आए। तो अयोध्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार आ रहे हैं और जो यहाँ का आकर्षण है उसको महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे समय और नजदीक आता जाएगा ये जो पूरा उत्साह है और जीत चरम पर आपको दिखाई देगा। जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो अन्य और भी जो अन्य जो वेद पाठ के अलावा जो अन्य कर्म है उनको करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, तो पूरी तरह से उत्साह से लबरेज है यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु, इसके साथ ही अयोध्या के रहने वाले जो आम अयोध्यावासी है वो सभी। जी धन्यवाद नीतीश इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स और अपडेट देने के लिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण पर है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कोई ना कोई सामान अयोध्या भेजा जा रहा है, और इसी बीच अहमदाबाद से राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम वजन वाला नगाड़ा 700 किलोग्राम वजन वाले रथ से अयोध्या पहुंचा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस नगाड़े को मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल भी किया गया है, साथ ही सोने की परत भी इस नगाड़े में लगाई गई है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए जैसे ही अयोध्या के लिए पहली उड़ान अहमदाबाद से रवाना हुई, यात्री भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता और हनुमान की पोशाक पहनकर हवाई अड्डे पर पहुंचे। अयोध्या की पहली उड़ान में यात्रा करने के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन्हें भगवान राम की एक मूर्ति भी दी गई। उड़ान अहमदाबाद हवाई अड्डे से सुबह 9:10 पर प्रस्थान की और सुबह 11 अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 2400 किलो वजन का घंटा पहुंचा है। राम मंदिर में लगने वाले इस घंटे को कहां से लाया गया, ये कैसे बना, किन धातुओं से बना है, देखिए ये रिपोर्ट। जितना भव्य राम मंदिर उतना ही विराट महाघंटा। इस महाघंटे को राम मंदिर में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जलेसर शहर से एक विशेष रथ पर 2400 किलो वजन वाले घंटे को अयोध्या लाया गया और इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रामलला के नाम पर सौंप दिया गया। ये महाघंटा अष्ट धातु से बना है, यानी इसे बनाने में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, टिन, पारा, इन 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। 2400 किलो का घंटा बनाने में 21 दिन लगे, 70 मजदूरों की मेहनत लगी और 25 लाख रुपए खर्च हुए।
सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प्रशांत मित्तल की ओर से राम मंदिर के लिए ये भेंट स्वरूप दिया गया है। जलेसर विकास द्वारा जनता राम मंदिर के लिए सुपर किया जा रहा है। ये हमारे विकास मित्तल जो चेयरमैन भाई थे उनकी स्मृति में जलेसर के लिए 21 करोड़ का घंटा ये राम मंदिर के लिए सुपर किया जा रहा है। राम मंदिर तक 2400 किलो का घंटा पहुंच चुका है। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने का दरवाजा लग चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाले अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए देश भर से 108 संतों को अयोध्या बुलाया गया है। वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, जम्मू कश्मीर और नेपाल से भी संत बुलाए गए हैं। 14 वर्ष बाद दीप जलाए थे, 500 साल बाद उत्सव मना रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं वेदमूर्ति रविंद्र पैठणे नासिक से आया हूं और बड़े भाग्य की बात है कि जो अचल प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो रहा है वो दिसंबर से चल रहा है और यहाँ पर चारों वेदों का पारायण एवं हवन हो रहा है। तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा का हवन और पारायण करने के लिए उपस्थित हुए है। सारे भारत से लगभग 108 लोगों ने इसमें सहभाग लिया है। यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से जो है तमाम पुरोहित यहाँ बुलाए गए हैं और 108 पुरोहित यहाँ बुलाए गए हैं जो इस पूरे यज्ञ को जो है आहुति देंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक अलग अलग कार्यक्रम होने हैं और उसमें ये लोग सहभागिता के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।